शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए इन बीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। भले ही कोरोना हर जगह है, लेकिन गणेशोत्सव की पारंपरिक प्रथा अब भी कुछ स्थानों पर चल रही है। भिवापुर के सबसे बड़े ग्राम नान में गणेश घर घर पर पहुंचे, लेकिन भिवापुर तहसील के नान गांव में किसी भी घर में गणेश को नहीं बैठाया गया। यहां आज भी गणेशोत्सव मनाया जाता है। एक गांव एक गणपति की अवधारणा की गई। सालों से यह चल रही है और इस साल भी यह कायम है। गणेशोत्सव कोकण का पसंदीदा त्यौहार है। गणेशोत्सव के दौरान यहाँ भी उत्साह बढ़ रहा है। गणनारायण आते हैं और फिर पूजा पाठ आरती नृत्य सभी का आयोजन होता है, लेकिन इस बार कोरोना उत्साह से अभिभूत है। फिर भी नागपुर जिले के भिवापुर तहसील में नान गांव ने अपनी परंपरा को जीवित रखा। लगभग 10,000 लोक संख्या वाले इस गांव में किसी भी घर में गणेश की मूर्ति की स्थापना नहीं हुई। गणेश चतुर्थी के दिन सभी ग्रामीण मंदिर में इकट्ठा होते हैं। गणपति की पालकी वहां से निकलती है। मंदिर से सटे गंगा सरोवर से पालकी का जुलूस निकाला जाता है। गांव में यह अनोखा गणेशोत्सव कब और कैसे शुरू हुआ, यह आज की पीढ़ी भी ठीक से नहीं जानती। हालांकि सालों से चली आ रही यह परंपरा आज भी कायम है। यह पालकी गांव में घर घर पहुंचती है। इस दिन महरवाशिन बिना भूले गांव में आती है और गंगराय की पूजा करती है। उसके बाद मंदिर में फिर से शोभा यात्रा निकाली गई। नानगांव के ग्रामीणों ने इस परंपरा को सालों से निभाया और यह निश्चित रूप से अनुकरणीय भी है। यहाँ नान में छोटे बच्चों ने हाथों में बैनर लेकर गांव भर रैली निकाली और संदेश दिए कि कोरोना गो, और नागरिकों से संदेश दिया आज मरीजों को रक्त की नितांत आवश्यकता है। इस वजह से काफी लोग प्रेरित हो गए और रक्तदान में 50 लोगों ने हाजिरी लगाई, साथ ही रक्तदान भी किया। रक्तदान शिविर में लाइफलाइन ब्लड बैंक ने यहां से 50 लोगों का खून ले जाकर रक्तदान सफल बनाया और बाल गणेश का अभिवादन करा। इस अवसर पर भिवापुर के थानेदार महेश भोलटेकर ने हाजिरी लगाई, बाल गणेश का अभिवादन किया। साथ ही पंचायत समिति के गट विकास अधिकारी मानिक हिमाने, सहायक गट विकास अधिकारी रोशन कुमार दुबे, प्रभाकर बाग, विस्तार अधिकारी नंदा नारनवरे, पंचायत समिति सदस्य सरपंच नान तुलसीदास चुटे और सभी ग्राम पंचायत कार्यालय के कर्मचारी पुलिस कर्मचारियों ने इस रक्तदान शिबिर में हाजिरी लगाई। अपन बघत आहो, अपन नान गाव भ्यापूर तालुका सर्वात मोठा गाव, त्यामध्ये नान मध्ये सर्वात चांगला उपक्रम यावर्षी बघायला मिळाला की गावात कुठेही गणपती सार्वजनिक बसला नाही, त्यानिमित्ताने श्री बाल गणेश उत्सव मंडळ यांच्या वतीने दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी गावात एकमेव गणपती म्हणून इथे स्थापना केली आहे। त्या स्थापनेबद्दल माननीय खंड विकास अधिकारी भ्यापूर हे इथं दर्शनासाठी आले आहे आणि यांनी तो रक्तदान शिबिराचा उपक्रम सादर केला, त्याबद्दल आपण त्यांचे मत जाणून घेऊया। खंड विकास अधिकारी भ्यापूर। नमस्कार, मी खंड विकास अधिकारी माणिक हिमाने आज नांद या गावामध्ये आलो आहे। या गावामध्ये प्रतिसाद खूप चांगला आहे। पर्यावरणपूरक गणेशोत्सवाच्या संदर्भामध्ये एकच गाव एक गाव एक गणपती बसवलेला आहे आणि पर्यावरणपूरक हा शब्द खऱ्या अर्थाने या ठिकाणी सिद्ध होतो आहे। या गणेश स्थापनेच्या नंतरच्या कालावधीमध्ये या ठिकाणी प्लास्टिक गोळा करून संपूर्ण गावामध्ये फेरी काढली, गावकऱ्यांनी चांगल्या प्रकारे साथ दिली आणि 2 क्विंटलच्या वरती इथे कचरा गोळा झालेला आहे। त्याच्यामध्ये काही प्लास्टिकच्या पन्न्या आहे, काही बॉटल्स आहे, अशा वेगवेगळ्या प्रकारचा कचरा इथे जमा करण्यात आला आहे। त्याच्यानंतर या ठिकाणी आज रक्तदान शिबिरसुद्धा घेण्यात येत आहे, चालू आहे। आणि महत्त्वाचं म्हणजे गावामध्ये महिलांनी रक्तदान करण्याचा खूप कमी प्रसंग माझ्या पाहण्यात आला, पण या गावामध्ये महिलासुद्धा रक्तदान करत आहेत। काही महिलांना आम्ही आल्यानंतर प्रवृत्त केलं आणि काही अंगणवाडीच्या कार्यकर्त्यांनासुद्धा सभेमध्ये प्रवृत्त केलं आणि आज त्या या ब्लड डोनेशन कॅम्पमध्ये महिलासुद्धा सहभागी झाल्या आहे आणि ही खूप मोठी चांगली आनंदाची गोष्ट आहे। मॅडम, आतापर्यंत किती रक्तदान झालंय? आतापर्यंत 22-23 लोकांनी रक्तदान केलं आहे। 50 होईल अशी आशा बाळगतो? 50 होणारच आहे आज, 50 होईल अशी म्हणजे खात्रीच आहे। आणि या गावामध्ये सन्माननीय जिल्हा परिषद सदस्य नंदाताई यांचा पण नेहमीच चांगला सहभाग मिळालेला आहे। त्यांनी सुद्धा शासनाच्या सर्व कार्यक्रमांमध्ये नेहमी उपस्थिती दाखवली आहे, गावकऱ्यांना जागृत केलं आहे। सर्व चुटे साहेब सरपंच महोदय आणि त्यांचे जे सर्व सदस्य लोक आहे, उपसरपंच वगैरे,
या सगळ्यांचा सुद्धा नेहमी चांगलाच प्रतिसाद मिळत आलेला आहे आणि मी अशी आशा करते की हे गाव नक्कीच उन्नती करेल, नक्कीच प्रगती करेल आणि पर्यावरणपूरक गणेशोत्सवाच्या शासनाच्या भूमिकेनुसार सर्व कार्यक्रम या ठिकाणी नक्की पार पडतील आणि चांगल्या प्रकारे पार पडतील याची मला शाश्वती आहे. धन्यवाद मॅडम. मॅडमच्या प्रतिक्रिया जाणून घेतल्या. आपण केलेल्या रक्तदानामध्ये 50 आकड्याच्या वर गाठेल असे खंड विकास अधिकारी यांची म्हणणे आहे. त्यानुसार रक्तदान शिबिर चालू आहे. इनबीसीएनसाठी राम वाघमारे, भिवापूर. इनबीसीएन न्यूज के लिए भिवापूर से राम वाघमारे की रिपोर्ट.